हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है डिसिप्लिन के अंदर मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, यानी तुलनात्मक राजनीति के ऊपर ये पूरा चैप्टर होने वाला है कि तुलनात्मक राजनीति की विशेषता क्या है, उसका आवरण क्या है और उसकी व्याख्या क्या है। पूरा आप तुलनात्मक राजनीति के ऊपर पढ़ोगे। तो आज मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और थोड़ा सा इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी समझने की कोशिश करेंगे, कितने नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर डी यू सोल से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो DSE 5 मेथड एंड अप्रोचेस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स सेकेंड सेमेस्टर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है। टोटल 4 यूनिट इसमें रहने वाली है। पहली यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है, नेचर एंड स्कोप बाय कंपेयर, क्यों कंपेयर करें, और अंडरस्टैंडिंग कॉम्परेटिव मेथड हाउ टू कंपेयर कंट्रीज लार्ज स्मॉल सिंगल कंट्रीज और स्टडीज गोइंग बियॉन्ड वाला पूरा रहेगा। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शन और एनालिसिस। अप्रोच फिर यूनिट 3 में आप पढ़ोगे अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ट्रेडिशनल एंड न्यू, यानी नव उदारवाद के बारे में, जिसमें आप हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म और रीजनल चॉइस थ्योरी और सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इसमें आप पढ़ोगे। फिर आपका यूनिट 4 में पढ़ोगे अप्रोचेस टू स्टडिंग कम्युनिटी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें सिविक कल्चर है सेडनेबर्ग का और सब कल्चर हेगेमोनी पोस्ट सोशल कैपिटल। तो ये सारे थिंकर्स है, चौथे में पूरे थिंकर्स रहेंगे। पांचवी यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है इसमें, मैं बताना भूल गया, 4 बोल रहा था, 6 यूनिट है। पाँचवें में अप्रोचेस टू स्टडिंग कम्युनिटी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, यानी निर्भरता के बारे में और मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। यूनिट 6 में पढ़ोगे आप जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द जेंडर के बारे में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और वुमन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये मतलब टोटल 6 यूनिट आप पढ़ोगे। तो मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊँगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी टिक कर लीजिए, आपकी बुक में से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम का भी अच्छा चला जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर वीडियो को लाइक करते, तो स्टार्ट करते वीडियो। तो ये पूरा आपका सिलेबस है हिंदी मीडियम वालों का, देख सकते हो, ठीक है ना। अब जरा हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला है तुलनात्मक राजनीति की समझ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे पहले चैप्टर से, वो आप नोट कर लीजिए। तो पहली यूनिट से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपका, टोटल इसमें दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों कर लेना, यूरो केंद्रवाद भी और राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण भी। देखिए, या तो आपसे पूछेगा तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके कितने आयाम है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण क्यों, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने घुमाया हुआ है। यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए, पहले तो इसका आंसर आपको देना होगा, फिर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो देख लेते हैं। इकाई 2 में पार्ट 1 है आपका संस्थागत उपागम, प्रणाली उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न दृष्टिकोण के ऊपर एक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, और आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2 मत करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 2, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण और राजनीतिक सांस्कृति दृष्टिकोण उपागम। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते। इसमें आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे आलमंड और पॉवेल की संरचना प्रक्रियात्मक उपागम, ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सिंपल सी। देखिए, सारे क्वेश्चन जो इसमें अभी बनेंगे ना, आप तुलनात्मक के ऊपर बनेंगे। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 2 पूरा थ्योरी ऊपर है, तो थ्योरी भेजे, तो ये आप पढ़ के जाना।
दूसरा अगर क्वेश्चन नंबर वन की बात करो, तुलनात्मक दृष्टिकोण के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो जब आप तुलनात्मक दृष्टिकोण के विभिन्न रूप पढ़ोगे ना, तो उसमें आधुनिक दृष्टिकोण भी एक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर वन आपका अभी मैंने जो चैप्टर बताया उसमें ही कवर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें मत करना, इसमें टू इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। क्योंकि जब आप उसके विभिन्न दृष्टिकोण लिखोगे ना, तो उसमें आधुनिक दृष्टिकोण भी एक पॉइंट है, जिसमें इसमें पॉइंट विस्तार से लिखने को बोल सकता है अगर आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए कहता हूँ पूरा पढ़ के जाओगे तो आराम से 2-3 पेज लग दोगे, तो इसके इंपॉर्टेंट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 3 है नव संस्थावाद, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा नोट कर लीजिए। तो अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, जिसमें आपसे संबंध के बारे में पूछेगा कि बीच में क्या संबंध है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर टू है ना, ये इसी में से आपका निकला हुआ है, कैसे वो मैं आपको बता दूँ। देखिए जब आप संस्थागतवाद और नव संस्थागतवाद के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो इसको आप विस्तार से लिखोगे कि इनके बीच में संबंध क्या है। अभी क्या पूछा गया, नव संस्थावाद और इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए कि इसके कितने प्रकार होते हैं। जब आप नव संस्थागतवाद को ध्यान से पढ़ोगे, जब इस क्वेश्चन नंबर वन को हल करने के लिए, तब आपको इसके विभिन्न प्रकार भी पता चल जाएंगे। यानी कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन से ही निकला हुआ है। देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही बनते हैं, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, पर घुमाने वाली बात है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो बीच में संबंध पढ़ के जाएगा। अब पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर टू कि नव संस्थावाद और इसके विभिन्न प्रकार क्या है, अब वो कहेगा कि सर आपने तो बताया था ये तो आया नहीं क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू आ गया। जबकि क्वेश्चन नंबर वन में नव संस्थागतवाद के बारे में भी बोला गया है, यानी कि इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे, जब उन्होंने उसको स्पीच में संबंध बताओगे, तो दोनों को तो आप विस्तार से पढ़ोगे ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जब आप पहला करोगे दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा। यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका तुलनात्मक राजनीति की दृष्टिकोण, पारंपरिक और नव संस्थागतवाद। देखिए आ गया ना नव संस्थागतवाद, मैं यही आपको बता रहा हूँ, हर चैप्टर से आप दूसरा चैप्टर रिलेट कर सकते हो। तो इकाई 3 का है, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, यानी तुलनात्मक राजनीति क्या है, और दूसरा है बताएं और परिभाषित करें कि नए संस्थागतवाद के 3 प्रकार क्या है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट इसमें आपके रहेंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फिर आपका इकाई 4 है राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए, इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं। उप संस्कृति पर डेनिस कवनक की अवधारणा पर निबंध लिखी है, और ये दूसरा वाला आपसे अगर बाई चांस आ जाता है इतिहास और राजनीति संस्कृति के मार्क्सवादी सिद्धांत में ग्राम्स्की के योगदान पर व्याख्या कीजिए। तो एक काम करना, दोनों ही थिंकर के ऊपर है, तो दोनों को ही कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा ये रिलेट करेगा, रिलेट नहीं कर रहा, दोनों अलग है, क्योंकि मार्क्सवाद का सिद्धांत अलग है और डेनिस कवनक का सिद्धांत अलग है। दोनों कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें इस चैप्टर से, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये 5वां है आपका। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख ले 3। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे किस तरीके से पूछेगा। ये पूछेगा निर्भरता सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये पूछ सकता है, या ये पूछेगा अमीर और गरीब देशों में निर्भरता सिद्धांत का क्या महत्व है, या ये पूछेगा लैटिन अमेरिका में निर्भरता मॉडल के उदय होने के क्या कारण थे, ठीक है, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा आपसे तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, ये लास्ट है आपका इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इंग्लिश मीडियम में भी मैं इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, पहले हिंदी मीडियम वाले आप नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बस यही है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस पूरी बुक के। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, आप मैं ज़रा इंग्लिश मीडियम वालों का करा देता हूँ, आप इंग्लिश मीडियम वाले अभी नोट। तो आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 2nd सेमेस्टर के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप ज़रा देख लीजिए, इस आपका सब्जेक्ट है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस का पूरा सिलेबस क्या है, ये सारा आपका कवर करना है इस बार। और अब मैं
चैप्टर वाइज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको मार्क करा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। तो यूनिट वन में जो चैप्टर है इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसका आप जरा देख लेते हैं, इसमें आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू, दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने दोनों इंपॉर्टेंट बताए थे। फिर आपका नेक्स्ट है यूनिट टू अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कल्चर एंड अप्रोच, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। इसमें आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, नोट कर लेना। उसका नेक्स्ट आपका चैप्टर तो ये संस्थागतवाद के ऊपर है, ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन, और ये देखिए डिफरेंट टाइप वाला आप पहले में भी पढ़ सकते हो, जब आप ये क्लियर कर दोगे तो ये भी इसी में से निकाला गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहला वाला अच्छे से पढ़ना, पहले ये वाला पढ़ना जिससे रिलेशन पूछा गया इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को आप पढ़ोगे तो इसका डिफरेंट टाइप भी आपको पता चल जाएगा, यानी वन और टू दोनों इंपॉर्टेंट है, वन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर टाइम में तो कर लेना, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रैक्टिस के रूप में, इनकी तैयारी कर लेना, आराम से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फिर आपका यूनिट थ्री ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसमें हिस्टोरिकल और आपका रैशनल और आपका सोशियोलॉजिकल, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन, और क्वेश्चन नंबर थ्री, ये ठीक है, ये और ये। फिर आपका नेक्स्ट है यूनिट फोर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर से आपके दोनों इम्पोर्टेंट है, ए वाला भी और क्वेश्चन नंबर टू भी, ठीक है, जिसमें दो थिंकिंग पूछी गई है, एक तो डेनिस की पूछी गई है और एक मार्क्सिस्ट की पूछी गई है, ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर आपका है यूनिट फाइव अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी यूनिट सिक्स का जो लास्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रा नोट कर लीजिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो बस ये सारे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश मीडियम वाले, आप भी देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बुक पढ़ोगे सॉल्व करो आराम से आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल सारे क्वेश्चंस अगर आप मिलाओगे ना 10-15 ही क्वेश्चन है ये सारे, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट में आपको नोट कराए हैं, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ, जब जितने भी स्टूडेंट सुन लीजिए, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।